सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही। वो फिल्म ने इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वहीं आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के सबसे बड़े रिकॉर्ड के बारे में और आपको बताएंगे पठान फिल्म अभी तक ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही और क्या यह फिल्म लाइफ टाइम 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, यह जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन, साउथ, नेपाल और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें, पठान फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 8000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिस वजह से फिल्म को लेकर अपने पहले दिन से लगातार 5वें दिन तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कलेक्शन देखने को मिला। वो फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 106 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की, जिस वजह से फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बनी। इसी के साथ इस फिल्म का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और भी काफी अच्छा रहा और फिल्म ने अपने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 113 करोड़ 60 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया, जिस वजह से फिल्म अपने तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिर से काफी अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने तीसरे दिन काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 93 करोड़ 40 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म का चौथे और पांचवें दिन यानी सैटरडे और संडे का कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने चौथे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त ग्रोथ पाते हुए 113 करोड़ रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छा रहा। वो फिल्म ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अपने पांचवें दिन यानी आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 124 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 5 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 550 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बड़ा धमाका करेगी। वो फिल्म अपने 5 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेगी, जिस वजह से फिल्म कल तक 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। वो फिल्म इंडिया की यानी बॉलीवुड की 6 दिनों में 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों, पठान फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है, लेकिन अगर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनना है तो फिल्म को लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। लेकिन शाहरुख खान के हेटर्स इस फिल्म को अभी भी फ्लॉप कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शाहरुख खान की फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की कमाई कर पाएगी, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़? और आप शाहरुख खान की फिल्म पठान को अभी भी हिट कहोगे, सुपरहिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।